बन जाए माझी मेरा, फिर दूर कहाँ किनारा है, आएगा 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 नीले चढ़े सांवरा, आएगा 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 लीले चढ़े सांवरा, आएगा मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, लाएगा खुशियाँ हजारों साल लाएगा, आएगा 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 नीले चढ़े सांवरा, आएगा। देखो भजन कोई भी हो, कोई भी भजन हो, उसको सुन के और उनके लाइनों को समझने का अगर हम कोशिश करें ना, उन लाइनों को अगर हम अच्छे से सुन के समझने की कोशिश करें तो शायद हर भजन आपको मन की बात पहुंचाने का एक माध्यम जरूर लगेंगे। देखिए भैया, हमारी तो नौकरी है, हम तो 2 घंटे के नौकर हैं। हाँ, मैं नौकर हूँ, इस दरबार की नौकर हूँ 2 घंटे की। उसके अलावा दुनिया में और कौन है जो हमारे से नौकरी करा ले, एक बिहारी 100 पे भारी। इसके अलावा वो वाला बंदा पुष्पा वाली बात है, झुकेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि जो इसके दरबार में झुक गया वो कहीं और नहीं झुकता, बाबा झुकने ही नहीं देता, वो हमारी क्या औकात है। हाँ, मैं नौकरी करने आई हूँ, आप सेवा करने आए हो, मुझे मेरी नौकरी के बदले आज मेहनत आना मिलेगा, लेकिन आपको आपकी सेवा के बदले आज बाबा आप जो मांगोगे वो देगा, और ये भी हो सकता है कि आपने जो ना सोचा हो वो दे दे। लोग कहते हैं समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा, लेकिन इसके दरबार में ये बात गलत है। यहाँ पे समय से पहले भी मिलता है और उससे भी बड़ी बात भाग्य और औकात से ज्यादा मिलता है। हमारी जितनी लेने की औकात नहीं होती है, बाबा उससे ज्यादा बढ़ के हमें देता है। अब आप पर है कि आप उसको अपनी झोली में समेट पाते हो कि नहीं पाते हो। इसलिए मैंने बोला ना कि भजन की लाइनों को सुनिए भी और समझने की भी कोशिश करिए। हारे का वही सहारा है, वो सच्चा साथी हमारा है, जो बन जाए माझी मेरा, फिर दूर कहाँ किनारा है। और कोई आए ना आए, लेकिन इतना विश्वास है, आएगा 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 नीले चढ़े सांवरा, आएगा बोलो बोलो बोलो, आएगा 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 नीले चढ़े सांवरा, आएगा। और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने बुलाया है, वो इसलिए आएगा। मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, लाएगा 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 खुशियाँ हजारों संग लाएगा, आएगा 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 लीले चढ़े सांवरा, आएगा। किसको किसको विश्वास है कि जब जब बुलाओगे तब तब आएगा। आइए ऐसी नौकरी करके जाए, ऐसी सेवा करके जाए आज बाबा के दरबार में कि जब हम बुलाए तब उसको आना पड़े। आइए, हाथ दुख गए, कोई बात नहीं। देखो हम हाथ इसलिए नहीं उठवाते कि वो ऐसे उठा के तालियां बजानी, हाथ इसलिए उठवाते हैं क्योंकि आप लोग भूल जाते हो कि तालियां भी बजानी, वो सिर्फ एक रिमाइंडर कॉल होता है।
कि उठा लीजिए हाथ, आपको तालियां बजानी है। हाथ नीचे रखिए, बेशक परेड थोड़ी बनानी है, नीचे रखिए, लेकिन तालियों की सेवा ना रुके। बस आइए मिलके एक साथ, आएगा 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 मेरी सोनी बगिया में एक दिन माली बन फूल खिलाएगा, मेरी सोनी बगिया एक दिन माली बन फूल खिलाएगा। आएगा 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 लीले चढ़ सांवरा आएगा, आएगा 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 लीले चढ़ सांवरा आएगा। इस अंधियारे जीवन में तो मेरा श्याम उजाला लाएगा, इस अंधियारे जीवन में तो मेरा श्याम उजाला लाएगा। हारा निर्मल जग वालों से वो श्याम सहारा पाएगा, हारा वो शाम सारा आएगा 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 आएगा। मेरा श्याम दयालु है, वो बड़ा कृपालु है, मेरा श्याम खुशियाँ हजारों संग लाएगा, आएगा 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 धीरे चढ़ सावरा आएगा। जो जो एक बार ठाकुर के दरबार में इस बात की अर्जी लगाना चाहते हैं कि बाबा हमें नहीं पता हमने जीवन में कितने अच्छे कर्म किए हैं, हमने कितने बुरे कर्म किए, हमें बस इतना पता है कि हम आपके बच्चे हैं, और जैसे बच्चों की गलतियों को माँ बाप माफ़ करते हैं, हमें इतना विश्वास है कि अगर हमसे जीवन में कभी भी कोई भूल हुई होगी तो उसको आपको भी हमें माफ़ करना पड़ेगा। जब जब हम आपको बुलाएं तब तब आपको आना पड़ेगा। एक बार अर्जी लगाना, मिलके कहना, आजा आजा श्याम बाबा, आजा आजा श्याम।